नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बेट द कंपटीशन पे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आज हम लेक्चर 14 में डिस्कस करने वाले हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, उनके क्या क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिसको कि अध्यापक को ध्यान में रखना है। तो हम टोटल 7 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, और हर बार की तरह आखिर में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में भी बात करेंगे। और साथ में प्लेलिस्ट पूरी आप देख सकते हैं बीट द कंपटीशन यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जा करके, और पीडीएफ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक मैं जितनी भी आपको वीडियोस कंप्लीट करवा चुकी हूँ, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं खास तौर पर आज के लेक्चर की बात करूँ यहाँ पर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी शिक्षार्थियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो वहां से आपको दो सवाल देखने को मिलेंगे। सवाल हमेशा आएंगे आपको करेक्टरिस्टिक से अजर्शन और रीजन के फॉर्म में, कथन या कारक में, या फिर जो स्टेटमेंटल क्वेश्चंस होते हैं वहां से भी डायरेक्टली सवाल आपके बन सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम पूरी डिस्कशन इसी के ऊपर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि इससे पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, उसका नेचर कैसे काम करता है, टीचर और लर्नर का रोल क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग क्या है और टीचर क्या है, डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज आपके सिलेबस के हिसाब से बात कर रही हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स को लेकर के। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी लर्नर करेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, यानी शिक्षार्थियों की विशेषताएं हैं क्या, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आपको आगे बहुत सारे पॉइंट्स को बताऊं, तो हम डिस्कस करेंगे टीचिंग का। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर हम यहाँ पर लर्नर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लर्निंग या टीचिंग दोनों चीज़ों की जब हम बात करते हैं, मैंने कहा लर्निंग और टीचिंग, जब हम दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अगर लर्नर लर्निंग कर रहा है तो टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर टीचर यहाँ पर लर्निंग करवा रहा है तो लर्नर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। आपकी लर्निंग का कोई फायदा नहीं है अगर आप सही डायरेक्शन में सही टीचर से लर्न नहीं कर पा रहे हैं। राइट, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो इसी में हम जानेंगे कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, बेसिकली जो मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि आप टीचर का नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, बच्चे को कितना बेहतर सिखा पा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड क्या है, ये सारी चीजें। और ये रेफर कैसे करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, टीचर की एबिलिटी कितनी है, किसको सिखाने की, बच्चे को सिखाने की, पोटेंशियल कितना है बच्चे को सिखाने का, कि भाई अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 में से आप यहाँ पर 10 बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके रेस्ट ऑफ द 15 बच्चे हैं उसके ऊपर कितना पोटेंशियल आपने डाला है, कितनी ज्यादा आपने ये चेक किया है कि अगर उनकी लर्निंग बिलो एवरेज से भी कम है तो कितना टीचर ने पोटेंशियल यहाँ पर दिखाया है सिखाने को लेकर के। और इंडिविजुअल टू एक्सेल एज अ टीचर, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 के 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल विशेषताएं होती हैं, कहते हैं ना कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंस डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर, जो कि टीचर को ध्यान में रखना है कि 30 के 30 बच्चे ही नहीं है उसके सामने, 30 के 30 बच्चों की एबिलिटी अलग है, पोटेंशियल अलग है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग है, उनकी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उनका माइंड अलग है, IQ अलग है, इमोशनल सोशल हर एक तरह की चीजें जो है अलग अलग बच्चों की होंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में। जो बहुत असेंशियल और इफेक्टिव रोल प्ले करता है वो है यहाँ पर टीचर की क्षमता, यानी जो टीचर है, जो एजुकेटर है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, वो कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजीज हैं, जो रणनीतियां हैं, क्या उसे मिल पा रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि 30 बच्चे हैं आपकी कक्षा में, 30 में से अगर यहाँ पर 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 10 बच्चे यहाँ पर बिलो एवरेज से भी नीचे जो है बिहेव कर रहे हैं, उनका IQ लेवल बहुत कम है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करेगा कि यहाँ पर अध्यापक क्या रणनीति बना रहा है। अगर कोई 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि मैथ्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, EVS में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, साइंस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो क्या टीचर ने यहाँ पर रणनीति बनाई उनको ग्लोब दिखाने की, उनको टीचिंग जो उसके एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, वो दिखाने की, ये समझाने की कि आपके लिए साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है,
या फिर क्या आपने जानने की कोशिश की कि बच्चों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे की क्या नीड है। अगर उसको लगता है कि भाई उसको ग्लोब समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आपने कोशिश की सबसे पहले उसको ये बताने की कि ग्लोब होता कैसा है। तो नीड्स से मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बच्चे की अलग अलग होती है। मैंने फिर कहा कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हर एक बच्चे की व्यक्तिगत पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसलिए हमने लर्नर करेक्टरिस्टिक्स को पहचानने की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर हमने ये भी जाना, हिंदी वाली मैं लाइन पढ़ रही हूँ नीचे से, शिक्षण योग्यता के लिए विचार करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण शिक्षार्थी विशेषताएं यहाँ दी गई हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने स्पेसिफिक लाइन इसलिए मेंशन की है क्योंकि जब आप लर्नर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे ना, तो वैसे तो आप हजारों गिनवा ले तो भी कम है, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। एग्जाम में पूछने के साथ साथ क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप सवाल को पहचाने, रिकोगनाइज करें, है ना। अगर मैं ये कह रही हूँ कि इंडिविजुअलिटी, अगर मैं ये कह रही हूँ एबिलिटी, अगर मैंने कहा पोटेंशियल, अगर मैंने कहा यहाँ पर आपका जो है एक्सेस किसी चीज का करना, अफोर्डेबिलिटी करना, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की, मोटिवेशन के बारे में बात की, स्ट्रैटेजीज को मीट करने की बात की, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अलग अलग बिहेवियर के बारे में बात की, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर कुछ सकारात्मक शब्दों का, कुछ पॉजिटिव शब्दों का यहाँ पर यूज कर रही हूँ, जो कि पेपर में पहचान करके आपको सही करने हैं। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर मैं एमसीक्यू का सेशन अलग से भी लूंगी, लेकिन अभी हम थ्योरी वाले सेक्शन को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा एक टीचर है, एक लर्नर है। भाई आप कक्षा में गए पढ़ाने के लिए, क्लास में आपके सामने 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो सबसे बेसिक नीड क्या है, आपको क्या समझना है, लर्नर को समझना है, आपको 30 के 30 बच्चों की क्या समझनी है, उसका सोशल, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल, मॉरल, एथिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप किसी लर्नर की 30 की 30 अलग पर्सनालिटीज को समझ रहे हैं, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि अगर हम करने पे अगर आ जाएं तो कोई काम मुश्किल हमारे लिए नहीं होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि अंडरस्टैंडिंग दीज लर्नर, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनको समझना, और समझने से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक ऐसा करिकुलम यहाँ पर डिजाइन करना है, एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें आपके आपका सिलेबस, आपके चैप्टर्स, आपकी बुक्स, आपकी टेक्स्ट बुक जो भी आपके सामने है वो किसके ऊपर आधारित है, स्टूडेंट सेंटर्ड। इसको हम दूसरी भाषा में लर्नर सेंटर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि किसको अंडरस्टैंड करना है, स्टूडेंट को। कौन अंडरस्टैंड करेगा, टीचर अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव, ये अगेन पॉजिटिव शब्द है, इफेक्टिव है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करें कि प्रभावशाली हो। वही मैंने शुरू में बताया कि अगर बच्चा साइंस में लैग कर रहा है तो टीचर को समझना पड़ेगा कि अगर मैं प्लैनेट्स पढ़ा रही हूँ, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मैंने सबसे पहले उसको बताया कि प्लैनेट्स होते क्या हैं, ग्लोब काम कैसे करता है, हमारी अर्थ दिखती कैसी है, हमारी रणनीतियां कैसी हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि डिसेबल है, कम सुन पा रहा है, उसको कम दिखाई दे रहा है, तो क्या हमने यहाँ पर ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग किया, क्या हमने स्मार्ट बोर्ड्स का यूज किया। ठीक है, ये सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, कहाँ पहुंचना है कि जो बच्चे की पोटेंशियल है। जरूरी नहीं कि कोई भी बच्चा, 30 के 30 बच्चे आपकी क्लास में है तो सारे सारे यहाँ पर मेधावी छात्र हैं, सबके सब टॉप कर रहे हैं, सबके सब 100 में से 99.9% स्कोर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है कि 5 बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, 5 बच्चे डिबेट में बहुत अच्छे हैं, 5 बच्चे राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो टीचर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ये जानेगा कि क्या अगर बच्चे के यहाँ पर मैथ में पासिंग मार्क्स आ रहे हैं लेकिन बच्चे का जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसके पोटेंशियल को हमें पहचानना है, उसको मीट करना है, उसकी नीड्स को समझना है कि ठीक है अगर यहाँ पर उसके पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी कहीं गलत जगह तो नहीं जा रही है, क्या वो उसके पोटेंशियल को हम पहचान पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हम समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका लर्नर करेक्टरिस्टिक्स में, शिक्षार्थी विशेषता में, लर्नर को समझना, उसका किसको समझना, लर्नर को, स्टूडेंट सेंटर करिकुलम को डिजाइन करना, कौन समझेगा, टीचर। ठीक है, कैसे, उसके पोटेंशियल और नीड्स को पहचान करके, स्ट्रेटेजी को बना करके। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 को लेकर के, हमने लर्नर को पहचान लिया, उसके पोटेंशियल को पहचान लिया, हमने ये जान लिया कि बच्चे को यहाँ पर प्लैनेट समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को यहाँ पर कुतुब मीनार नहीं समझ में आ रहा है कि भाई उसकी इतनी मंजिलें हैं, वो ऐसा दिखता है, उसको आगरा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको पेड़ समझ में नहीं आ रहा है कि पेड़ कैसे हो सकते हैं। ठीक है, मैं छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ। तो अब हमने लर्नर को तो पहचान लिया कि उसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नीड्स हैं, रणनीतियां भी बना ली, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि लर्नर के जो शैली है, सीखने का जो स्टाइल है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो हमने क्या क्या फोकस किया,
लर्नर को सिखाना कैसे है, जितना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हम सिखा पाए, प्रभावशाली तरीके से सिखा पाए, यानी कि उसका लर्निंग स्टाइल, उसका दृश्य श्रवण, वही है कि ऑडियो विजुअल एड्स। मैंने शुरू में कहा कि हम बच्चे को बार बार बता रहे हैं कि देखो बेटा अर्थ गोल होती है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का, इसके ऊपर वाटर है, ये जो आपको ब्राउनी शेड दिख रहे हैं ये यहाँ के जो हैं पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारे समझा रहे हैं। बच्चा इमेजिन कर रहा है कि अच्छा अर्थ गोल होती है, दिस एंड दैट। लेकिन जब आपने ये फोकस किया कि अगर मैं उसको यही चीज स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो उसकी लर्निंग एबिलिटी कहाँ जाएगी? वो इमेजिन कर पा रहा है कि अर्थ घूम रही है, ग्लोब घूम रहा है, ये समुद्र का रंग नीला क्यों है, ठीक है, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, सूरज हमारे पृथ्वी से कितना दूर है, तो उसकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी, वो क्रिएटिव तरीके से सोचेगा। वो जब अपने, जाहिर सी बात है कि किसी गोल चीज को देखेगा तो कोरिलेट कर पाएगा, ठीक है। वो पुरानी सी पोइम है ना कि मम्मी की रोटी गोल गोल समथिंग, तो दिस इज कम्प्लीटली द बॉय एंड द चाइल्ड इज कम्प्लीटली रिलेटिंग द थिंग्स विद द प्रेजेंट थिंग्स, है ना, तो उसको हम वर्तमान से जोड़ पाएंगे। एक कुशल शिक्षक को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है? टीचर का, ठीक है, कि यहाँ पर ये अवेयर कर पाए दीज लर्निंग स्टाइल्स, कि उसकी लर्निंग स्टाइल्स को हम पहचाने, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को हम जाने, कि उसकी हम जो आवश्यकताएं हैं उसको हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर उसको कोई चीज यहाँ पर करके समझ में आती है कि भाई लर्निंग बाय डूइंग की जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड्स के द्वारा, अगर बच्चा खेल करके समझ रहा है, अपने ग्रुप में किसी काम को करके समझ रहा है, तो उसको उस प्रकार से सिखाने की जरूरत है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। ओके, देखिए पूर्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआती जो एकदम छोटे बच्चे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे बालवाटिका में है, जो बच्चे प्लेवे में है, क्लास 2-3 में, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्रायर नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रायर नॉलेज शुरू कहाँ होती है? आपकी फैमिली से, ठीक है। मैंने वही आपको कहा कि जैसे हम बच्चे को ये बता पाए कि देखो अर्थ का जो शेप होता है कुछ इस तरीके का होता है, तो बच्चा अपनी प्रायर नॉलेज से जोड़ पाएगा कि अच्छा अर्थ का शेप गोल होता है, तो मेरे पास जो कॉइन है वो भी गोल है, ठीक है। जो मैं खाना खा रहा हूँ उसमें पड़ी हुई मेरी प्लेट में रोटी भी गोल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माउस की बात करें तो देखो मेरे टेबल पे माउस पड़ा है, तो मेरे कॉलेज सॉरी स्कूल में भी माउस है, तो वैसा होता है। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जोड़ेंगे आप? हमने ये जान लिया कि लर्नर का यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, हमने लर्नर को पहचान लिया, उसके पोटेंशियल को पहचान लिया। अब हमने बच्चे को उसके पोटेंशियल को पहचान करके पॉइंट नंबर 2 में ये भी डिस्कस कर लिया था कि हम उसको कैसे सिखाने वाले हैं। लेकिन सिखाने से सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका प्रायर नॉलेज। जैसे हम बीएड करते हैं तो आपको ध्यान में होगा कि शुरुआती में क्लास में जब जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं कि मान लो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं बताऊंगी आज आपको कि बच्चों आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि क्या आपने ताजमहल देखा है, ठीक है, क्या ताजमहल का कलर कैसा है, ताजमहल किसने बनवाया है, या क्या आपने इंडिया गेट देखा है, ठीक है, या भारत कब आजाद हुआ था, क्या आपको लगता है कि 1947 का और क्या क्या रेलिवेंस है। बड़ी क्लासेस में जब हम जाते तो ये सवाल पूछते हैं। प्लैनेट्स के बारे में पूछेंगे तो पूछेंगे कि भाई क्या आपने यहाँ पर ग्लोब को देखा है कभी, क्या आपके घर में ग्लोब है, ग्लोब दिखता कैसा है। तो अगर बच्चे उस क्लास में बैठे हैं और उनको उन्होंने कभी अगर वो चीजें पहले देखी हैं तो आपको जरूर वो जवाब देंगे। तो इससे हम क्या समझ पाते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर 30 के 30 बच्चों ने ताजमहल देखा है, जो कि संभवतः कम ही वैसी पॉसिबिलिटी होती है, तो जाहिर सी बात है कि हम ताजमहल कैसा दिखता है उसके रंग को छोड़ करके अब हम ताजमहल के रेलिवेंस के बारे में बताएंगे कि भाई आगरा में ही ताजमहल क्यों बनवाया गया, कहीं और क्यों नहीं बनवाया गया, संगमरमर से क्यों बनवाया गया, लाल बलुआ पत्थर से क्यों नहीं बनवाया गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रायर नॉलेज। तो प्रायर नॉलेज को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं, मान लो कोई पेन लेने गए तो हम शॉपकीपर बोलते हैं कि 20 रुपए का है, तो आप चेक करेंगे कि क्या सच में 20 रुपए का, तो अपन नहीं 15 रुपए का है, मैं तो पहले 15 रुपए का लेके आई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रायर नॉलेज कि क्या आपको पता है कि उस पेन को आपने पहले खरीदा है। तो लर्नर्स कम आउट टू द क्लासरूम विद वेरिंग लेवल्स ऑफ अ बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो मैंने बता दिया आपको कि जरूरी नहीं कि 30 के 30 बच्चों को ताजमहल के बारे में पता ही हो, लेकिन इफेक्टिव टीचर्स बिल्ड ऑन अ स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज टू हेल्प देम मेक अ कनेक्शन एंड गैप्स इन अ न्यू कॉन्सेप्ट बेटर, ठीक है। यहाँ पर 30 के 30 बच्चों को ये नहीं पता है कि ताजमहल दिखता कैसा है, 30 में से 10 बच्चों को नहीं पता है कि ताजमहल कैसा दिखता है, ठीक है। तो आप क्या दिखाएंगे? इफेक्टिव तरीके से आप उसको पहले वीडियो दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे, अगर आपकी बुक में इमेज बनी है तो वो बोलेंगे भाई पेज नंबर दिस एंड दैट पे ये इमेज है, इसको खोलिए, उसको देखिए,
बिल्ड ऑन द स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो उसको पहले से पता है कि भाई ताजमहल सफेद है, तो अब आप उसको जोड़ेंगे कैसे कि पेज नंबर 30 पे देखो यहाँ पर लिखा है कि शाहजहां ने कैसे ताजमहल को बनवाया, कितने लोगों ने मिलकर के बनाया, ये जो संगमरमर है कहाँ से आता था, ठीक है, तो कैसे आप कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे, है ना। आपने क्लास में बताया कि देखो मेरे पास एक पेन है, एक पेन को अगर और जोड़ देंगे तो दो पेन बन जाएंगे। अब बच्चा अपने घर पे जाता है या कहीं और लाइब्रेरी में बैठा है तो वो जान पाएगा कि अगर मैं दो से दो पेन को जोड़ दूंगा और दो पेन किसी और से ले लूंगा तो चार बन जाएंगे। तो क्या है, आपने उसको जोड़ दिया, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा बात करेंगे मोटिवेशन। हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया था, लर्नर का यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी अंडरस्टैंडिंग क्या है। आपने बच्चे को जान लिया, बच्चे के पोटेंशियल नीड्स को जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि बच्चे को हमने पुराने नॉलेज से जोड़ दिया, लेकिन सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन अगर आपने बच्चे को मोटिवेट ही नहीं किया, ताजमहल के बारे में उसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो नहीं भी पढ़ेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जब तक बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे कि बेटा ताजमहल के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, सेवन वंडर्स में आता है, हिस्ट्री का बहुत अच्छा एक मॉन्यूमेंट है हमारा, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, या फिर दूसरी तरफ अगर देखें कि बच्चा अगर यहाँ पर किसी चीज को सीखने में अगर फेल हो रहा है बार बार, तो आपने उसको मोटिवेट किया नहीं, आपने उसको डांट दिया कि तुम हर बार फेल होते हो, मैं कब से एक ही चीज को आपको पढ़ा रही हूँ, नहीं, आपको तब तक लास्ट स्टेज पर के जाकर के, विवेकानंद जी का कहना है कि भाई आप किसी काम को 100 बार करते हैं तो एक बार और कीजिए, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर आप 99 टाइम किसी चीज में फेल हो रहे हैं और अगर आपने उस काम को अगर एक बार और किया है तो आप उसको क्या करेंगे, करना सीख जाएंगे। इट मीन्स कि हम किससे सीख रहे हैं, फेलियर से। हमने बच्चे की पर्सनालिटी को चेक किया कि बच्चा लैग कहाँ पर कर रहा है, ये हमने पढ़ा ना यहाँ पर प्रायर नॉलेज में कि गैप कहाँ आ रहा है कॉन्सेप्ट्स में, तो गैप को चेक करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर तुम 4+4 यहाँ पर अगर 8 नहीं जोड़ पा रहे हो तो तुम 2 से स्टार्ट करो, ठीक है, मोटिवेट करो कि तुम कर ले जाओगे, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट मोटिवेट्स इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कैन हेल्प अ टीचर डिजाइन एंगेजिंग द लेसन। जितना ज्यादा आप उसको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, कि आप भाई आप हिस्ट्री से पढ़ा रहे हैं, देखो यमुना के किनारे ताजमहल बसा हुआ है, उसकी और क्या खास बातें हैं, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर है वहां पर, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, ये सारी मोटिवेशन जब तक आप उसके अंदर नहीं डालेंगे तब तक बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। लेसन एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट व्हेन नीडेड, और आपको तब तक उसको सपोर्ट करते रहना जब तक उसको आवश्यकता यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। और अगर आपने एक बार उसको मोटिवेट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जब जब बच्चा किसी काम को करने के लिए जाएगा तो एक बार उसके अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मैम ने बोला था क्लास में, टीचर ने बोला कि तुम कर सकते हो तो मुझे करना चाहिए, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पर, सही कर लीजिएगा, ठीक है, बौद्धिक क्षमताएं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कुछ पढ़ा यहाँ पर, इससे पहले हमने पढ़ा कि लर्नर की यहाँ पर नीड्स क्या क्या है, हमने ये पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले, हमने फिर पढ़ा कि लर्नर को अंडरस्टैंड कैसे करना है, फिर हमने ये पढ़ा कि लर्नर को अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी पोटेंशियल को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको लैग कहाँ करना है, कहाँ पर उसको सुधारना है, कहाँ पर उसको काम करना है। फिर हमने ये जाना कि जहाँ पर हमने उसको सुधारना है या कोई सवाल करना है तो ये पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को उसके पहले कितना आता है। अब भैया कोई क्लास 6th का बच्चा है, कोई क्लास 10th का बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको ताजमहल के बारे में पता ही होगा, राइट। उसने अपने पूरे के पूरे ये स्कूलिंग करियर में कहीं ना कहीं तो ताजमहल के बारे में पढ़ा ही होगा। मैं ताजमहल की एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रही हूँ ताकि एक कॉमन एग्जाम्पल आपको हर चीज से जोड़ पाए, ठीक है, वो एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है। फिर हमने प्रायर नॉलेज को चेक किया, फिर हमने प्रायर नॉलेज को बता करके बच्चे को मोटिवेट किया, और मोटिवेट करके क्या किया, इंगेज कर दिया, किसके साथ, ये बताने के लिए कि कल जब हम ताजमहल का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल क्यों बनवाया, ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें, इंगेज रहें चैप्टर्स के साथ, घर जाके किताब को खुद से खोलें और कोशिश करें पढ़ने की, ताकि कल क्लास में सबसे पहले जवाब दे पाएं, है ना। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, अब हम बात करेंगे कि भाई आपने इंगेज कर लिया, मोटिवेट कर लिया, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जुड़ी है आपकी IQ लेवल से, आपकी मेंटल एबिलिटी से, कितना अच्छा आप किसी चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं, मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉग्निटिव एबिलिटी भी होती तब भी हम इसी के बारे में बात करते, ठीक है। तो स्टूडेंट पोजेस अ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मैंने यही कहा, और कॉग्निटिव यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि यही है कि भाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, कितना अच्छा आप सोच पा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल तरीके से सोच पा रहे हैं, कि क्या आपने ये जाना कि आगरा में ही ताजमहल क्यों बनाया गया है, इसके अलावा आगरा में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत फेमस हैं, ठीक है, यमुना नदी आगरा से ही के आसपास से क्यों निकलती है,
ठीक है, उसको हम दिल्ली दोआब का रीजन ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत हद तक ध्यान में रखना है। तो इंटेलेक्चुअलिटी क्या है कि कितना आप यहाँ पर बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कर पा रहे हैं, कि बच्चे ने यहाँ पर ये जाना पहले 4 + 4 = 8 होता है, तो अब बच्चा यहाँ पर 8 + 8 को जोड़ करके 16 भी ले आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। कॉग्निटिव क्या है कि कितनी जल्दी वो प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है, सॉल्व कर पा रहा है, देख पा रहा है, जहां पर भी चीजों की वहां पर गैपिंग है उसको महसूस कर पा रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटीज को जो है उसके अंदर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ टीचर शुड रिकॉग्नाइज दिस डिफरेंसेस एंड एम्प्लॉयड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। अगेन वही बात है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्लास में बैठे 30 के 30 बच्चों के लिए टीचर के लिए वो 30 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, है ना। 30 बच्चों की अलग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, अलग कैपेसिटी है, अलग कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, अलग इमोशनल कैपेबिलिटी है, सोशल इंटेलेक्चुअल, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल बिहेवियर अलग अलग है। तो टीचर को पहचानना पड़ेगा कि भाई 10 बच्चों को इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्लास में टॉप कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो 20 बच्चे हैं, ऐसी क्या 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 कमियां हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे सीखने के लिए। तो आपको क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करके, प्रायर नॉलेज से जोड़ करके, बच्चे की लर्नर के अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ करके, उसकी नीड्स को समझ करके आप क्या डिजाइन करेंगे, फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे कि 10 बच्चे तो पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि क्लास में स्ट्रगल पता है क्या होता है, क्लास में स्ट्रगल ये होता है जब आप पढ़ाने जाते हैं किसी बच्चे को लेकर के, कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्लास में पढ़ाया कितना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि लर्नर को समझ में कितना आया है, ठीक है। क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि अगर आपका बच्चा समझ नहीं पा रहा क्लास में बैठ करके, इट मीन्स व्हाट इज हैपेंड एग्जैक्टली, द स्टूडेंट इज नॉट फेलिंग इन द क्लास, ठीक है। क्लास में बच्चा नहीं फेल हो रहा, टीचर फेल हो रहा है अल्टीमेटली, है ना। तो इसके अलावा हम टीचर को ये भी पता है कि 10 बच्चे तो कर ले जाएंगे क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, उनको बहुत मेहनत नहीं करनी है, उनके लिए बस ये बताना है कि तुमने 4 से 4 + 4 = 8 आ जाएगा, तो 8 + 8 = 16 आ जाएगा, अब 16 × 16 करो। तो जिनका 10 के 10 बच्चों का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर है, उनको बहुत मेहनत नहीं करनी है, टीचर को भी उन पर बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 20 बच्चे हैं उनके ऊपर टीचर को मेहनत करनी है, ठीक है। उनकी नीड्स को जानना, उनके कॉग्निटिव स्किल को जानना, उनके बिहेवियर, उनके सोशल इमोशनल एथिकल, कहाँ कहाँ गैपिंग्स आ रही हैं उसको समझना है, और अलग अलग स्ट्रैटेजीज को बनाना है। वो प्ले वे मेथड हो सकता है, डिस्कवरी मेथड हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, वो आपका लेक्चर मेथड हो सकता है, वो मोटिवेशन हो सकता है, वो उनकी प्रायर नॉलेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि हम बच्चों के अंदर स्ट्रगल को कम करके क्या कर पाए, उनकी आवश्यकताओं तक पहुंच पाए, उनको हम पहचाने कि भाई अगर तुम ठीक से यहाँ पर ताजमहल का जो है इमेज अगर ठीक से नहीं बना पा रहे हो, तो तुम्हें कहाँ से ठीक करना है उसको इरेज करके। अगर तुम यहाँ पर 4 + 4 = 8 नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको 2 से स्टार्ट करना है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम अ बेसिक अप्रोच, ठीक है। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर, इट्स नॉट अ 7, इट्स अ 6, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार डायरेक्टली भी आ जाता है पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर। तो हमने क्या जाना, हमने शुरू में पॉइंट्स डिस्कस किए, लर्नर को अंडरस्टैंड कर लिया, लर्नर की नीड्स को जान लिया, लर्नर के हमने नेचर को जाना, बिहेवियर को जाना, उसके प्रायर नॉलेज को चेक किया, फिर हमने लर्नर को मोटिवेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रायर नॉलेज को जान करके जो ये पॉइंट डिस्कस किया, हमने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जान लिया। अब हम जानेंगे पर्सनालिटी। मैंने वही कहा कि 30 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो अध्यापक के लिए, टीचर के लिए 30 के 30 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे पर्सनालिटी ट्रेट में जब आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे या फिर जिन्होंने बीएड की होगी, तो अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे आपने कई बार पजल्स देखे होंगे, जैसे मान लो मेरे पीछे आपको इमेज दिख रही है, तो मैं आपको देखूंगी कि बताओ ये जो बच्चे के हाथ में किताब है, इसके ऊपर ये जो रेड मार्क बना हुआ है वो क्या साइन कर रहा है ना। ये हो सकता है, या अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ यहाँ पर ACB लिखा हुआ है, तो अगर ए बच्चा बी पर खड़ा हो जाए, बी बच्चा सी पर खड़ा हो जाए, तो ए पर कौन सा बच्चा खड़ा है, ठीक है। या फिर कई बार आपने कुछ देखा होगा कि एक इमेज ऐसी बनी होती है आपके सामने, है ना, और आपको ये पहचानना होता है कि क्या इमेज है ये, क्या आप उसमें से देख पा रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी और आपके IQ लेवल को डिसाइड करती है। तो पर्सनैलिटी है क्या, पर्सनैलिटी दो तरीके की होती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट और बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या है, बेसिकली इंट्रोवर्ट है कि अंतर्मुखर पर्सनैलिटी वो होती है जो बच्चे थोड़ा रिजर्व नेचर के होते हैं, कम बात करते हैं, थोड़ा शाई होते हैं, थोड़ा
थोड़ा जो है फेमिलियर नहीं होते, जल्दी किसी को हेलो हाय नहीं बोलते हैं। एक्सट्रोवर्जन क्या है, जहां पर बाहरी मुखत की हम बात करते हैं कि बच्चे बहुत एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, कि बच्चों को कई छोटे बच्चे होते हैं जिनको बोलना नहीं पड़ता कि भाई आप हेलो बोलो, आप नमस्ते बोलो, आप गुड मॉर्निंग बोलो, गुड नाइट बोलो, दिस है ना, उनको पता होता है पहले से, उनको पता है कि क्लास में हाथ खड़ा करना ही करना है, वो बहुत अपने पीयर ग्रुप में बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं पर्सनैलिटीज, दो तरीके के होते हैं पर्सनैलिटी, बहुत तरीके की हो सकती है। इसके अलावा पर्सनैलिटी क्या है, आपके खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके फेस जेस्चर, आपको कितना आता है, बोलते कैसे, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके बैठने उठने का तरीका, ये सारा पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। होता है ना पर्सनैलिटी टेस्ट करना, जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे, तो जब कभी भी आप मॉक इंटरव्यूज में बैठेंगे तो नॉलेज नहीं चेक की जाती है वहां पर, वहां पर चेक किया जाता है आपकी पर्सनैलिटी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लुएंस हाउ द स्टूडेंट्स इंटरेक्ट इन द क्लासरूम एंड द इंगेज विद द लर्निंग प्रोसेस, क्या करती है कि जितने ज्यादा आप शाई होंगे उतने ज्यादा आपका पीयर ग्रुप क्या होगा, कम होगा। जितने ज्यादा आप सोशल होंगे उतना बड़ा आपका पीयर ग्रुप होगा। हम बोलते हैं ना, बोलते हैं कई बार, नहीं एक एबीसी पर्सन है जो बहुत सोशल है, एक एबीसी बच्चा है जो बहुत शरारती है, लेकिन वो पढ़ता भी बहुत अच्छा है, राइट। तो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके दोनों पर्सनैलिटी टाइप वो बच्चे हैं, जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, जो बहुत शाई हैं, और जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, दोनों को इंगेज करना है ना। क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट है, जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सोशल है, उसको बहुत वक्त नहीं लगेगा यहाँ पर चीज़ों को सीखने का, क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन जो बच्चा शाई है, जो सवाल नहीं पूछ पा रहा है, तो उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो टीचर उसकी जो है पोटेंशियल को पहचान नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली उसको दिक्कत आएगी। तो टीचर के लिए चैलेंज क्या है कि दोनों को हम सेम टाइम पर इंगेज कैसे करें, लर्निंग प्रोसेस को हम फ्रेम कैसे करें, एंड अ टीचर शुड क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग, अगेन वेरी पॉजिटिव वर्ड्स, सवाल डायरेक्टली यहां से आते हैं, क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग, कि सपोर्ट करना है उसको भी, सपोर्ट करना है जिसको ये पता है कि 4 + 4 = 8 होता है, उसको भी सपोर्ट करना है जिसको ये पता है कि 8 × 8 कितना होता है, उसको भी सपोर्ट करना है जो 2 + 2 ठीक से नहीं जोड़ पा रहा है। तो इट मीन्स मैंने वही कहा कि क्लास में बैठे 30 बच्चे, टीचर के लिए 30 पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि 30 की 30 पर्सनैलिटीज को आपको एक इंक्लूसिव लाइन में लेकर के कैसे जाना है, समावेशी विकास कैसे करना है। 30 में से हो सकता है कि 3-4 बच्चे ऐसे हों जो कि डम एंड डेफ हों, डिसेबल हों, हैंडीकैप हों, हो सकता है कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हों, हो सकता है कि 10 बच्चे ऐसे हों जो कि एवरेज हों, 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिहेव करते हों, 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि लर्निंग तो सबकी करवानी है, बेसिक एजुकेशन तो सबको देना है ना भाई। अब 2 + 2 अगर तीसरी वाले क्लास के बच्चे को नहीं पता होगा, तो आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर समावेशी विकास सबका किया है, इंक्लूसिव लर्निंग में आप लेकर के आए हैं बच्चे को, है ना। अल्टीमेटली क्या है चैलेंज यहाँ पर, कि लर्नर को कितना यहाँ पर टीचर एजुकेटर सिखा पा रहा है, ठीक है। अब आप वॉलीबॉल खेल रहे हो तो अलग बात है, वो तो उसका एक पोटेंशियल जो टीचर ने पहचान लिया, लेकिन वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे को भी तो पता होना चाहिए ना कि 2 + 2 कितना होता है, राइट। तो ये दीज आर वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल्स, अगर मैं बार बार इसको दे रही हूँ तो आप किसी भी चीज से इसको जोड़ सकते हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट दैट अकोमोडेट डाइवर्स पर्सनैलिटी, मैंने वही कहा दोबारा से कि समावेशी शिक्षण वातावरण बनाना चाहिए जो कि विविध व्यक्तित्व को समायोजित कर सके, कि आपकी क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, टीचर की क्लास में एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पर बच्चा किसी भी जो है बैकग्राउंड से आता हो, चाहे किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी जो है पर्सनालिटी से आता हो, चाहे वो इंट्रोवर्ट है, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियली वीक है, स्ट्रांग है, रिच है, पुअर है, उसे फर्क नहीं पड़ता। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 30 के 30 क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो टीचर के लिए 30 के 30 बच्चे क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल है। उसके लिए ये नहीं है कि भाई यहाँ पर अगर कोई बच्चा डिसेबल है, डिसेबिलिटी से अगर जूझ रहा है, ठीक से सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, तो वो सिंपथी का शिकार हो जाए, नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पॉइंट नंबर 7 होगा यहाँ पर, राइट। कल्चरल बैकग्राउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति है क्या, दो शब्द आपने सुने होंगे, एक होता है सिविलाइजेशन, एक होता है कल्चर। हम किसकी बात कर रहे हैं, कल्चर। सिविलाइजेशन एक टाइम के बाद जो आपकी सभ्यता होती है वो एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन, क्या है, ये खत्म हो गई एक टाइम के बाद, राइट। लेकिन आपने क्या ले लिया, वहां से कल्चर अडॉप्ट कर लिया,
जैसे क्या है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में या फिर आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी देखेंगे कि तब भी हम स्वास्तिक बनाते थे, ठीक है, और तब भी हम यहाँ पर गॉड और गॉडेसेस की पूजा करते थे, तब भी हमें मूर्तियां मिली थी, ठीक है, जमीन के नीचे से, हम तब भी मंदिर जाते थे, हम 20 साल पहले भी मंदिर जाते थे, 30 साल पहले भी मंदिर जाते थे, उसमें कुछ चेंज तो आया नहीं है। बट व्हाट अबाउट द कल्चरल बैकग्राउंड, क्यों इंपॉर्टेंट है चेक करना? आज भी हम 50 साल बाद भी, या हमारी अपकमिंग जो जनरेशन हैं, ठीक है, या आपके जो भाई बहन है जो अपकमिंग जनरेशन में भी काउंट होंगे, वो भी कल्चरल बैकग्राउंड को चूज करते हैं। कल्चर कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, आप किसी कल्चर से कम ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई आपके जो पूर्वज हैं, इंसेस्टर्स हैं, वो पहले मंदिरों में जाकर के दान दक्षिणा करते थे, वहां पर यज्ञ हुआ करते थे, गांव में रहते थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उन चीजों को छोड़ दिया। आज भी आप गाँव में जाते हैं, आज भी हम हिंदुस्तान को रूरल इंडिया के नाम से जानते हैं, आज भी आप मंदिरों में पूजा करते हैं, आज भी आप अपने गॉड गॉडेसेस को उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी आप पेरेंट्स को उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कल्चर चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या होता है? सिविलाइजेशन, राइट, वो खत्म होती है, कल्चर कभी चेंज नहीं होता। कल्चर कम ज्यादा हो सकता है, हो सकता है कि भाई आज से 20 साल पहले आपके एंसेस्टर्स या माता पिता धोती कुर्ता या साड़ी पहनते हो, आज आप नहीं पहनते हैं, बिकॉज इट्स नॉट द डिमांड एंड द नीड ऑफ द टाइम, इट डिपेंड्स एंड वेरी वेरी ऑन योर इन्वायरमेंट, बिल्कुल निर्भर करता है कि आप किस वातावरण से आते हैं या कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो चीजें मैटर करती हैं। तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, इट्स ओनली ए डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो कल्चर बैकग्राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? कल्चरल डाइवर्सिटी, जब हम विभिन्नता की बात करते हैं, कैसे प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल? व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर। व्हाट इज द ड्रेसिंग सेंस? पार्ट ऑफ अ कल्चर। आज भी हम दीपावली पर धोती कुर्ता, माफ कीजिए, जो है कुर्ता पजामा पहनते हैं, ठीक है, पोंगल आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं, साउथ में आज भी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ अ कल्चर, ड्रेसिंग सेंस, द मदर टंग इट्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, लैंग्वेज इट्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, द फूड द पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव एंड द लर्निंग स्टाइल्स। हमने क्यों कहा, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने क्यों कहा कि मातृभाषा यहाँ पर कक्षा 5 तक बच्चे को सिखानी ही चाहिए? क्यों? क्योंकि बच्चा जो है सोसाइटी में से निकल के आ रहा है, और सोसाइटी में सबसे प्राइमरी पार्ट क्या है उसकी? फैमिली। बच्चा कहाँ से सीख रहा है 5 साल पहले से, कहाँ से सीख रहा है कि भाई रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो बंगाली है, उड़िया है, पंजाबी है, गुजराती है, भोजपुरी है, वट एवर द लैंग्वेज ही और शी इज गेटिंग फ्रॉम द फैमिली, अपने पेरेंट्स से सीख करके आ रहा है। तो कक्षा 5 के बाद 6वीं क्लास में उसको भाषा को सीखने में दिक्कत नहीं आएगी, राइट। एंड द कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचर रिस्पेक्ट इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स कल्चर बैकग्राउंड इन टू द करिकुलम। हमने ये कहा कि भाई कक्षा 5 तक जब आप पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा किसी भी क्लास से आता है, किसी भी कास्ट से आता है, किसी भी कल्चर से आता है, किसी भी भाषा से आता है, उसकी रिस्पेक्ट करना टीचर का काम है। क्योंकि 30 के 30 बच्चे जब अलग अलग कल्चर से आएंगे, तो आप देखिए कि हम कह रहे हैं कि विभिन्नता का निर्माण कर रहे हैं, हम डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपकी क्लास में 30 के 30 बच्चे नहीं बैठे हैं, आपकी क्लास में 30 कल्चर बैठे हैं, और वो 30 कल्चर जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बच्चों का कल्चर कहाँ जाएगा, ठीक है, बच्चे कितना पॉजिटिव तरीके से सीखेंगे। मान लेते कि 30 में से 5 बच्चे मलयालम बोलते हैं, 5 बच्चे हिंदी बोलते हैं, 5 बच्चे बंगाली बोलते हैं, तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, तो कम से कम बंगाली में हेलो हाय करना तो सीख ही लेगा, ठीक है, जो उसको हमेशा याद रहेगा कि भाई मैं क्लास 5th में था तो मेरा एक दोस्त था, वो बंगाल से था, उसको बंगाली आती थी। तो दिस इज ओनली कैन रिप्लेस द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विद हुम एग्जैक्टली विद इंटीग्रेटेड अप्रोच। मतलब कि बच्चे का जो कॉग्निटिव अप्रोच है, सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं सिखानी है उसको, उसको ये सिखाना है कि हाउ द स्टूडेंट और द लर्नर एग्जैक्टली बिहेविंग इन द सोसाइटी, राइट, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, जोड़ देना हर चीज से, उसके सोसाइटी से, कल्चर से, फाइनेंस से, बैकग्राउंड से, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, बिहेवियर, एवरीथिंग, जिससे किसी भी चीज से आप जोड़ पाए, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली कैसा है, एवरीथिंग द टीचर इज हेल्पिंग टू कनेक्ट द लर्नर विद एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आप कंप्लीट डेवलपमेंट पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ बच्चे को डेवलप नहीं कर रहे हैं, बच्चे के सोच को भी डेवलप कर रहे हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन, सॉरी पॉइंट नंबर 8 के बारे में, यहां सही कर लीजिएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो हमने क्या पढ़ा शुरू में, हमने जाना लर्नर का, अंडरस्टैंड किया, हमने उसके नीड्स को जाना, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स को जाना, हमने ये जाना कि उसको कैसे मोटिवेट करना है, हमने ये जाना कि उसका प्रायर नॉलेज क्या है, फिर हमने उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बारे में जाना, हमने उसके कल्चर के बारे में जाना, अब हम उसके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे।
इमोशंस बहुत तरीके के होते हैं, है ना। इमोशन में दो शब्द हम यूज करते हैं, एक होता है सिंपथी देना, एक होता है एम्पथी देना, है ना। तो सिंपथी किसको दी जाती है, अरे तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं, मुझे बुरा लगा, इट्स टोटली ऑल राइट, तो ये क्या है, दिस इज द सिंपथी। बट वॉट इज द एम्पथी एग्जैक्टली, ठीक है, जब आप कनेक्ट कर पाए कि अरे मैं भी फेल हुआ था तो मुझे भी बुरा लगा था, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, हम कर ले जाएंगे, दिस इज द पॉजिटिव अप्रोच। सिंपथी इज नॉट द पॉजिटिव अप्रोच, इट्स अ नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक शब्द है। बट वट इज द एम्पथी इज अ पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक शब्द है। जब आप ये जान पाए, कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम देने गए और एग्जामिनेशन जो है 2 मिनट की देरी से आपका छूट गया, तो आपको इमोशनली बुरा लगता है, आप इमोशनली बहुत हार्ट होते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो ब्लंडर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट वेन एवर समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, कोई बात नहीं, 2 मिनट से छूटा है, हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो, तुम दोबारा से कोशिश करना, हम दोबारा से ट्राई करेंगे, दोबारा से अटेम्प्ट देंगे, हमारा फिर से हो जाएगा, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी थी, दीज आर द वेरी पॉजिटिव वर्ड्स। कि बच्चे को इमोशनली वीक नहीं करना है, है ना, इमोशनली स्ट्रांग करना, इंटेलिजेंट बनाना है। इंटेलिजेंट कैसे बनेंगे, जब आप यहाँ पर या सिंपथाइज वर्ड को भी देख पा रहे होंगे जो मैंने बता भी दिया है कि द स्किल हेल्प एंड पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। क्योंकि जितने ज्यादा आप इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे, दो शब्द, इमोशनली फूल नहीं होना है, है ना, कि यहाँ पर इमोशनली फूल है कि भाई आप किसी भी, मान लो आप मलयालम बोल रहे हैं और बाकी बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं, दिस इज द इमोशनल फूलनेस। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, कि टीचर जहां पर टीचर जो बच्चा है टीचर के साथ अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रांग फील कर पाए, है ना, जो उसकी रिलेशनशिप को बहुत सपोर्टिव महसूस कर पाए, उसके वेलबींग के बारे में सोच पाए, दिस इज ऑल अबाउट द इमोशंस। अगर आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है, तो ये बहुत हद तक मुश्किल है कि आपका इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि उस 30 के 30 जो बच्चे बैठे हैं, वो 30 के 30 बच्चे अलग अलग इमोशनल बैकग्राउंड से आते हैं। हो सकता है किसी बच्चे की फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो, बच्चा इमोशनली बहुत वीक हो सकता है कि उसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा जो है सप्रेसिव हैं, तो बच्चा भी बहुत दुखी रहता है। हो सकता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट क्योंकि इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग नहीं है तो मोटिवेटेड ही नहीं फील कर पाता है, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टीचिंग करेक्टरिस्टिक्स में समझने का, लर्नर्स को लेकर के, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे आगे हम, अटेंशन स्पैन, ध्यान अवधि। हम बोलते हैं ना कि बच्चे बहुत अटेंटिव होते हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा कोई क्लास, जैसे आप भी जब स्कूल में रहे होंगे और जब आप एज अ टीचर क्लास में जाते होंगे, जैसे ही टीचर क्लास में जाता है बच्चे खड़े हो जाते हैं अटेंशन पोजिशन में, तो वट दे आर एग्जैक्टली डूइंग, इमोशनली बच्चे यहाँ पर टीचर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पर वहां पर एक चीज नोटिस करना होगा आपको कि 30 के 30 बच्चे उसी पोजीशन में नहीं खड़े हैं, 30 बच्चे बड़े मजबूरी में खड़े होते हैं, 30 बच्चे 10 सेकंड बाद खड़े होते हैं, 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो खड़े ही नहीं होते, बैक बेंचर्स ऐसे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द अटेंशन, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, क्लास में जाते के साथ पहले क्लास का राउंड लगाएगा, तो जो बच्चे 4 पीछे बैक बेंचर्स हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द अटेंशन स्पैन, बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है। इनफैक्ट ये तो ह्यूमन बींग की नेचर है कि हमें अटेंशन चाहिए। हम गवर्नमेंट एग्जाम क्यों यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमारा फाइनेंशियल इमोशनल इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव लेवल तो अलग बात है कि भाई हमारा ये ड्रीम है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम खुद से पूछें, हमें अटेंशन चाहिए कि हमारा ABC पर्सन अटेंशन तैयारी कर रहा है, हम क्वालिफाई कर लेंगे तो सोसाइटी में अटेंशन मिलेगा, है ना। अगर 4 साल बाद शादी होने वाली है तो लड़की वाले और लड़के वालों से अटेंशन मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द अटेंशन स्पैन, राइट। अगर अटेंशन नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, है ना, तो आपको दिक्कत हो रही है कि किसी न किसी चीज से। तो क्लास में उसी तरीके से लर्नर को अटेंशन चाहिए होती है। जैसे बड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल है कि अटेंशन के लिए, जैसे ट्रेनिंग सेशंस में टीचर्स को या फिर बच्चों को सिखाया जाता है कि आप यहाँ पर बच्चों का नाम लेकर के बुलाएं, ठीक है। मान लो कोई भी ऐसा एक आदमी है, सॉरी एक बच्चा है, अभी क्लास में आप कुछ पढ़ाने गए हैं, 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, 4 बच्चों का अगर आप रोज नाम लेकर के अगर सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो 5वें दिन वो पढ़ के आना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई 4 लेक्चर्स में, 4 पीरियड्स में तो हमें टीचर अटेंशन देता नहीं है, लेकिन ABC टीचर ऐसा है जो हमें अटेंशन दे रहा है, तो हम पढ़ करके जाएंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द अटेंशन स्पैन। स्टूडेंट अटेंशन स्पैन वेरी बेस्ड ऑन द एज। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे मदर टीचर्स होते हैं, तो बच्चे को यहाँ पर प्लेवे मेथड से सिखाया जाता है, ठीक है। बच्चे को हर 2 मिनट बाद अटेंशन चाहिए होती है,
बच्चे को ये पूछना पड़ता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, तुम्हें प्यास तो नहीं लगी है, तुम्हें वॉशरूम तो नहीं जाना है। इसलिए हम यहाँ पर मदर टीचर्स को अपॉइंट करते हैं टिल द क्लासेस ऑफ द बाल वाटिका, जहाँ पर जो टीचर है एज अ मदर ट्रीट कर पाए बच्चों को, है ना। फिर हम बोलते हैं इंटरेस्ट क्या है। हमने पोटेंशियल वाला पॉइंट में डिस्कस किया कि बच्चा यहाँ पर मैथ्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको वॉलीबॉल बहुत अच्छा लगता है, वो यहाँ पर स्टेट चैंपियन भी खेलेगा तो जीत जाएगा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ अटेंशन, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कि इम्पैक्ट बहुत अच्छा बढ़ता है। फिर बात होती है कि इफेक्टिव टीचर्स की। मैंने वही कहा कि प्रभावशाली कैसे बनाएंगे। मैंने जब हम पहली बार क्लास में जाते हैं, या अगर आप स्कूल में गए होंगे, कोई नया टीचर क्लास में आता है, तो हो सकता है कि आपको बहुत वो हटके लगता है, कि आपको लगता है कि अरे टीचर ने आज बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा दिया, इफेक्टिव तरीके से पढ़ा दिया। 6 लेक्चर में तो हम यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस में जाते नहीं हैं, बाकी में हम 7वें लेक्चर में जाते हैं, तो टीचर हमें ये सब दिखाते हैं। जैसे जो हमारा हाफ टाइम का टाइम होता है, जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, तो उस पीरियड के लिए बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि यहाँ पर आज हम ये गेम खेलने वाले हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है कि टीचर यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से स्ट्रैटेजीज बना करके बच्चे को इंगेज कर पाए, फोकस कर पाए, कि भाई तुम्हारा काम यहाँ पर अटेंशन में शरारत करना नहीं है, उस अटेंशन को, उस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड्स क्या है? मैंने वही कहा, ये है टीचर आपका, ये है आपका लर्नर, बीच में क्या है, इसकी नीड्स। नीड्स को कैसे पहचानेंगे? लर्नर को अंडरस्टैंड करके, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पहचान करके, उसकी नीड्स को पहचान करके, उसकी नी एम्स को पहचान करके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान करके, उसके साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल प्रायर नॉलेज और साथ में कॉग्निटिव इमोशनल इंटेलिजेंस को पहचान करके आप उसकी नीड्स को पहचानेंगे, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन क्या है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से आते हैं, है ना। तो ये सवाल हमेशा आता है पेपर में, 2 सवाल है, एक सवाल तो पक्का आता ही आता है। तो आप ध्यान में रखें कि डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की नीड्स क्या होती है। मैंने वही कहा कि 30 में से मान लो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कम दिखाई कम सुनाई देता है, जो डिसेबल है, ठीक से चल नहीं पाते। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगा कि ऐसे रणनीतियों को बनाएगा जिसमें कि वो 30 के 30 बच्चों का यहाँ पर सिखा पाए, और 4 बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ अलग से बिहेवियर हो रहा है ना। तो ये जागरूकता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि अगर आप 4 बच्चों को बार बार बोलेंगे अरे तुम्हें तो कम दिखाई देता है, तुम्हें कम सुनाई देता है, चलो तुम बाद में कर लेना, बाद में पढ़ लेना, इसका मतलब ये है कि आप उस 4 बच्चे को 30 बच्चों में से जाकर के कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जो कि क्या है, दिस इज नॉट द लेवल ऑफ द टीचिंग, दिस इज नॉट द पॉजिटिव टीचिंग, दिस इज नॉट द परफेक्ट टीचिंग, राइट। तो एंश्योर क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को, मतलब समावेशी विकास करना है, यानी कि सबको एक ही जो है लाइन में खड़ा करके, प्रत्येक बच्चे को एक बराबर समझ करके उसके ऊपर काम करना। ये नहीं होना चाहिए कि 4 बच्चे ओवर एक्टिव हैं, 4 बच्चे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, बाकी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत सकारात्मक शब्द है, सवाल यहां से आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान में रखिए। पॉइंट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, कोलैबोरेशन एंड सोशल स्किल, मतलब सहयोग और सामाजिक कौशलता। समाज कहाँ से शुरू होता है? आपके परिवार से, ठीक है। परिवार में से कौन आ रहा है? बच्चा। बच्चे को क्या पता होना चाहिए? बेसिक मदर टंग, ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए, ठीक है। सहयोग कौन करेगा? सहयोग कौन करेगा? सोसाइटी करेगी, टीचर करेगा, पेरेंट्स करेंगे, कम्युनिटी करेगी बच्चे को सिखाने में, ठीक है। तो एक शिक्षक को सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहयोग और सामाजिक कौशल तो सब जगह अपनी जगह है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ही सही नहीं है, बच्चा जिस सोसाइटी से आ रहा है वहां पर में से 10 में से 9 बच्चे चोरी करते हैं, ठीक है, या क्राइम करते हैं, या फिर जो भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो कंपनी सही नहीं है, बच्चे की कंपनी सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, रॉन्ग डायरेक्शन पे रहेगा। अ टीचर शुड फैसिलिटेट कोलैबोरेशन लर्निंग एनवायरमेंट। जैसे मैंने कहा कि कोई मान लो 3rd या 4th क्लास का बच्चा है, आप उसको 5 दिन से ग्लोब दिखाए जा रहे हैं, ग्लोब दिखाए जा रहे हैं कि देखो ग्लोब ऐसा दिखता है, ये ग्रीन वाला हमारा वाटर सी है, सी वाटर है, ये माउंटेन्स है। बच्चे ने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार, 4th बार वो बोर हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर काम क्या है, टीचर का काम क्या है कि हाउ द टीचर विल एंगेज द क्लासरूम एनवायरमेंट, कैसे उसको अच्छे से बनाए, अच्छे से पढ़ाए। तो आप उसको क्या दिखाएंगे, ऑडियो वीडियो एड्स का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू दिखाएंगे, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिससे बच्चा कोरिलेट कर पाए। मान लो क्लास 1 का बच्चा है, आपने उसको ट्रीज की इमेजेस दिखा दी, देखो ये ब्रांचेस हैं, ये पेड़ है, ये ग्रीन हमारे ग्रीन कलर है,
लेकिन अगर आपने उसको अपने स्कूल के गार्डन में ले जाकर के अगर असली में पेड़ नहीं दिखाए तो बच्चा कभी भी सही तरीके से इमेजिन नहीं कर पाएगा कि सारे पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं, कोई पेड़ छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, सारे पेड़ों पर फ्रूट्स नहीं लगते हैं। तो वो उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको रियल एनवायरमेंट में जाकर के लर्निंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। एंड डेवलप क्या करना पड़ेगा, सोशल इफेक्टिव स्किल्स, ताकि वो टीम वर्क कर पाए। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन टीम वर्क ही नहीं कर रहे हैं, बच्चा अपने सोशल ग्रुप्स में एक्टिव ही नहीं है, कोलेबरेट ही नहीं कर रहा है, फैमिली में ठीक से बात ही नहीं करता है, अपनी बातों को रखता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के सोशल स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, पोटेंशियल्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। फिर हम बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन को लेकर के। टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन क्या है, स्टडीज के लिए वाइटल एज इज एम्पावर द स्टूडेंट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होम देयर लर्निंग एंड टू बिकम अ इंडिपेंडेंट लर्नर, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात की यहाँ पर, स्वयं नियमन के बारे में बात की, सेल्फ रेगुलेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करना, क्योंकि आप मोटिवेट हमेशा नहीं कर सकते। एक बार के बाद जैसे बच्चे आजकल पूछते हैं कि मैं मोटिवेशन ही फील नहीं होता पढ़ने का, क्योंकि सर पे एग्जाम नहीं है, है ना। ईएमआरएस का एग्जाम तो नवंबर दिसंबर में होगा, पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, तो क्यों सेल्फ रेगुलेशन ही नहीं है। पर क्या आपने सोचा कि कितना प्रिपेयर आप हैं, अगर मान लो कल को 2 महीने बाद पेपर हो जाता है तो क्या आप पेपर में बैठ के पेपर निकाल लेंगे? नहीं। इट मीन्स यू आर सफरिंग विद लैक ऑफ अ सेल्फ रेगुलेशन, कि वो है ही नहीं अंदर, तो रेगुलेट कैसे करेंगे खुद को। रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर इतनी स्किल्स हो कि कोई बात नहीं, हमारा काम पढ़ना है, दिसंबर में नहीं होगा जनवरी में होगा, लेकिन पेपर तो क्वालिफाई करना है ना। तो एम्पावर क्या करना है, सशक्त करना है खुद को, कैसे, इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, कॉग्निटिव लेवल पर डाइवर्स तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद की, ताकि मैं सीखूंगा और कैसे इंडिपेंडेंट लर्नर की तरह, ठीक है। कुछ नहीं आता है तो डाउट्स पूछूंगा, अगर नहीं सॉल्व हो रहा दोबारा करके देखूंगा, फेल हो रहा हूं दोबारा पढ़ के देखूंगा, पेपर में नंबर कम आए दोबारा नंबर लेके आऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ रेगुलेशन, दिस इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर 14 में, लर्निंग पेस के बारे में, सीखने की गति क्या है। देखो हर किसी के पढ़ने के बच्चे की गति जैसे नहीं होती, कई बच्चे क्रैमिंग बहुत अच्छी करते हैं, जैसे हम जब स्कूल में थे तो कई बच्चे ऐसे जो मैथ्स के फॉर्मूला रट लेते थे, हम नहीं रट पाते थे क्योंकि हमारा हमें लगता था कि हम नहीं कर सकते ये। इंग्लिश में वोकैबुलरी रट लेते थे, क्रैमिंग हो जाती थी, बट क्रैमिंग इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। छात्र अलग अलग दरों पर सीखते हैं, सॉरी, तो अलग अलग लर्निंग पेस होता है। कोई बच्चा है 30 में से 30 बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, 28 बच्चे ठीक से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी, जब आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, है ना, एक्सिलरेट करेंगे पीछे से कि भाई तुम्हारे लिए लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम पढ़ करके देखो। जैसे हम क्या करते हैं नर्सरी के क्लासेस में, बाल वाटिका में, टीचर पहले बोलता है ए फॉर एप्पल, फिर उसके बाद से सारे बच्चे साथ में बात बोलते हैं पीछे से, ठीक है। ताकि क्यों बोलते हैं, ताकि बच्चों की वोकैब, उनका जो अगर वो कहीं फंबल कर रहे हैं पढ़ने में, किसी शब्द का उच्चारण करने में, तो ठीक से बोल पाए, ठीक है। इसलिए हम उसको मोटिवेट करते हैं, दोज हु नीड एडिशनल टाइम टू ग्रैप अ कॉन्सेप्ट। और बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करनी है कि बच्चों को सिखाना है कि तुम बार बार किसी चीज को पढ़ो। जैसे आप देखिए क्लास 5th 6th तक हम यहाँ पर बुक रीडिंग होती है, आपने एक चैप्टर खुलवा लिया, एक एक बात रोल नंबर वाइज या अल्फाबेट के नेम के हिसाब से बच्चा क्लास में रीडिंग करता चला जाता है। कई बच्चे रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो रीडिंग क्या करता है कि यहाँ पर आप रीडिंग की जैसे जैसे आपका पेस बढ़ता चला जाएगा, आप शब्दों को जितना अच्छे से बोलते चले जाएंगे, उतना अच्छा आपकी कमांड सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कई लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, तो ऐसे क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो लोग 1 या 2 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उनके अंदर कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या होती है, बाकियों के मुकाबले आईक्यू लेवल अच्छा होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि डाइवर्स है, है ना। घर में कोई और भाषा बोल रहे हैं, बाहर कोई और बोल रहे हैं, स्कूल में कोई और बोल रहे हैं, ऑफिस में कोई और बोल रहे हैं, कॉलेज में कोई और बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग पेस, कि उसको ऐसा माहौल मिला, एनवायरमेंट मिला है, ठीक है। तो ये तो रहे भाई आपके 14 के 14 पॉइंट्स, तो जो मैंने डिस्कस किए, ये वीडियो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया मैं बता देती हूँ, हमने लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, हमने ये जाना कि लर्नर को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये जाना कि उसकी नीड्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी जाना कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स में साथ में उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, कॉग्निटिव इमोशनल एबिलिटी, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने एक एक बार डिस्कस किए,
यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनेंगे ही बनेंगे आपके, ये आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्योंकि अब लेक्चर खत्म हो गया है तो क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ उसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है लेक्चर देते हुए, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द चिल्ड्रंस लर्निंग ऑफ इन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, कहने के जो बच्चों के सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को समझना और सिखाना मौलिक महत्व का है, क्या है, इफेक्टिव टीचिंग का, इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग का, मोटिवेशन ऑफ लर्नर्स का, ये ऑल ऑफ द अबव का। मैं हिंट दे रही हूँ, जितने भी यहाँ पर तीन के तीन पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब आपको बताने के राइट आंसर कौन सा है, ओके। और ये है इंपॉर्टेंट लिंक्स जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक, यहाँ से डायरेक्टली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल जहाँ से आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और उसके साथ साथ जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल अप्रिशिएशन उन बच्चों को मिलती है जो कि जवाब देते हैं, और ये सवाल आपके लिए हैं। इसके साथ साथ और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन तो ज़रूर पूछिएगा, कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी मदद यहाँ पर हो पा रही है उतनी हम कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। प्लेलिस्ट बिल्कुल मिल जाएगी आपको, जैसे आप नीचे की तरफ क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप पूरी 12 के 13 के 13 लेक्चर्स को यहाँ पर देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।